अरे अरे निर्भय चाचा, कहाँ टहलने निकल पड़े? जानते नहीं क्या, कोरोना फिर लौट आया है। अरे जागृति बिटिया, तुम तो खामखा डर रही हो। एक तो मैंने मास्क लगा रखा है, दूसरा मैं हाथ भी समय समय पर धोता हूँ, तीसरा लोगों से दूरी भी रखता हूँ। मुझे कोरोना से क्या डर है बिटिया? अरे वाह निर्भय जी, आप तो समझदार लगते हैं। आपने टीके भी जरूर लगवा रखे होंगे। टीके? नहीं तो, ये टीके किस चीज के लिए हैं? कहाँ मिलते हैं ये टीके? कोरोना से बचने के वैक्सीन है। भारत में अभी दो तरह की वैक्सीन उपलब्ध है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कहीं ये टीका हमको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? डरिए नहीं निर्भय जी, अगर आपको बड़ी स्वास्थ्य समस्या है तो टीका लगवाने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये टीका आपको नुकसान नहीं करेगा बल्कि सुरक्षित करेगा। आप तुरंत टीका ले लीजिए। ये टीका सरकारी अस्पतालों में, प्राथमिक चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। ये आपका हक है। क्या कहा? ये हमारा हक है क्या? हाँ निर्भय जी, हम लोग शुल्क के रूप में सरकार को इनकी कीमत चुका रहे हैं। आप अगर टीका प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। मैं तो सरकारी अस्पताल से ही टीका लूंगा। टीका लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? निर्भय जी, आप अपना आधार कार्ड या अन्य कोई भी सरकारी परिचय पत्र लेकर अपने करीबी सरकारी टीका केंद्र में जा सकते हैं। दीदी, क्या मैं भी टीका ले सकती हूँ? जागृति, सरकार ने 18 साल के ऊपर सभी नागरिकों को कोरोना का टीका देना शुरू कर दिया है, तुम भी ले सकती हो। कितनी बार टीका लेना पड़ेगा? दो बार लेना पड़ेगा। अगर आपने कोवैक्सीन लिया तो 4 से 6 हफ्तों के बाद आपको कोवैक्सीन का दूसरा टीका लेना पड़ेगा, और अगर कोविशील्ड लिए तो 6 से 8 हफ्तों के बाद आपको कोविशील्ड का दूसरा टीका लेना पड़ेगा। एक टीके से नहीं चलेगा। दीदी, टीका लेने के बाद भी सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? निर्भय जी ने जैसा अभी अभी कहा था, सुरक्षित रहने के लिए हम लोगों को कुछ खास बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे बड़े सामाजिक समूहों में नहीं जाना चाहिए, बाहर जाने के समय हमेशा मास्क लगाएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं, समय समय पर भाप जरूर लें और दूसरों से दूरी बनाए रखें। इस संदेश को दूसरों को भी बताएं।